प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर दौरे पर हैं। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कतर की प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से द्विपक्षीय मुद्दों पर अहम बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि अल थानी के साथ बातचीत शानदार रही। वहीं यहां पर प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। हम सीधे दोहा पहुंचे जहां उनकी कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री अल थानी के साथ बातचीत शानदार रही। हमने भारत और कतर के बीच मैत्री को और मजबूत बनाने पर चर्चा की है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने अपना जो संदेश है वो साझा किया है। उन्होंने ये भी लिखा कि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की एक कतर के प्रधानमंत्री के साथ बेहद फलदायी वार्ता हुई। पिछले दिनों कतर में सजायाफ्ता 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री की दोहा की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी दूसरी कतर यात्रा है। दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग बहुत ही खुश और उत्साहित दिखे। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, ऊर्जा साझेदारी, संस्कृति और शिक्षा में सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में रिश्ते लगातार मजबूत हुए। भारतीय समुदाय के 8 लाख से अधिक लोग दोहा में रहते हैं।